जयपुर केवल गुलाबी शहर या पिंक सिटी नहीं है, ये मॉडर्न हिंदुस्तान की पहली प्लैंड सिटी भी है। इसे 1727 में सवाई जयसिंह ने बसाया था और विद्याधर भट्टाचार्य ने इस शहर को डिजाइन किया था। सो वेलकम टू जयपुर। आज के वीडियो में हम इस खूबसूरत शहर को घूमेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। पर क्या आपको पता है कि जयपुर को पिंक सिटी कहते क्यों है? चलिए हम इसके बारे में भी बात जरूर करेंगे थोड़ी सी देर में। सबसे पहले मैं आपको मेरे कंटेनर विला को दिखाता हूँ जिसका नाम है हैंगिंग विला। यहाँ 3 बेडरूम्स हैं और विला का बेस्ट पार्ट है यहाँ का स्विमिंग पूल, अ परफेक्ट प्लेस टू टेक अ डिप लेटर इन द इवनिंग एट द एंड ऑफ योर डे। अब आपने मेरा घर देख ही लिया है तो नेक्स्ट जयपुर घूमते हैं। जयपुर से कुछ 11 किलोमीटर की दूरी पे है आमेर पैलेस, जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। जयपुर से पहले यहाँ की राजपूत रॉयल फैमिलीज यहीं रहा करती थी और ये फोर्ट के साथ साथ एक पैलेस भी था। अगर आप यहाँ अच्छी फोटोज और वीडियोस लेना चाहते हैं तो 8 बजे जब गेट खुलता है तभी अंदर आ जाए, उस समय भीड़ काफी कम होती है। आमेर पैलेस का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का शीश महल, जहाँ हजारों कांच के टुकड़े दीवारों और छत पे लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल क्रिएट करते हैं ये। आमेर पैलेस में हमने कुछ नए दोस्त भी बनाए और उनका कनेक्शन मेरी फेवरेट स्टेट गुजरात से था। हेलो, मारू नाम येरा पटेल छे, आई एम बिलोंगिंग टू जयपुर। मारू नाम मुमुक्षा छे। मेधा पटेल, आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी अमेरिका, विजिटिंग आफ्टर 21 इयर्स, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बट एंजॉयिंग वेरी मच। सो फोर्ट के पास ही एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है विच इज़ अ टेम्पल, और यहाँ बहुत लोग आते नहीं है, सो इफ़ यू आर कमिंग हेयर मेक श्योर यू कम हेयर। दिस इज़ कॉल्ड द जगत शिरोमणि टेम्पल। लोकली इसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है कृष्णा मीरा टेम्पल, विच इन इटसेल्फ इज़ क्वाइट यूनिक, क्योंकि जनरली आप कृष्णा के मीरा के साथ मंदिर नहीं देखते। मीरा वॉज द कृष्णा भक्त ऑफ कोर्स फ्रॉम राजस्थान, बट यू डोंट सी देम टुगेदर इन द सेम टेम्पल। तो ये यूनिक मंदिर है, तो अभी जाके अंदर देखते हैं इस मंदिर को, बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ टेम्पल लाइक दिस बिफोर, बट फ्रॉम आउटसाइड कार्विंग इज अनदर लेवल। तो आई थिंक इफ यू आर अ फोटोग्राफर आई वुड से दिस इज अ मस्ट विजिट, बट अगर आप श्रद्धालु हो तो भी आ जाओ यहाँ पे। सिटी पैलेस जयपुर के महाराजा का घर है, पर उसके कुछ हिस्से को पब्लिक के लिए भी ओपन किया गया है एक म्यूजियम की तरह। अब की बार हमने स्पेशल रॉयल स्प्लेंडर टिकट लिया जो 3,000 रुपये का होता है, और इसमें आपको स्पेशल एक्सेस मिलती है पैलेस के उस हिस्से में जहां रॉयल फैमिली अभी भी रहती है। इसी टूर में आप यहाँ का सबसे इंस्टाग्रामेबल ब्लू रूम भी देख सकते हैं। हमने लंच भी सिटी पैलेस के बारादरी रेस्टोरेंट में किया और राजस्थानी थाली का आनंद लिया। जयपुर को पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, पर एक नाम जो जयपुर की पहचान बन गया है वो है पिंक सिटी। मजे की बात तो ये है कि जयपुर को एक गुलाबी रंग 19वीं शताब्दी में ही मिला। हुआ ये कि 1786 में हिज रॉयल हाइनेस एल्बर्ट एडवर्ड इंडिया आए और महाराजा सवई राम सिंह फर्स्ट ने उन्हें जयपुर आमंत्रित किया। गुलाबी को दोस्ती का रंग माना जाता था और इसीलिए पूरे शहर को गुलाबी रंग में पेंट कर दिया गया उनके स्वागत के लिए। तब से इसका नाम पिंक सिटी पड़ गया और आज भी ओल्ड सिटी पूरी तरह से गुलाबी है।
शाम को हम लोग सनसेट देखने के लिए नाहरगढ़ फोर्ट गए, जो काफी पॉपुलर स्पॉट है लोकल्स के लिए भी। और इसी के साथ हमारे खूबसूरत दिन का अंत हो गया। Good morning from Jaipur. Aaj day 2 hai and we have come here to this really beautiful place. It's next to Jal Mahal, jo yahan ka kafi iconic mahal hai jahan pe raja, you know, they used to come during the monsoons to enjoy themselves. Ye kafi popular path hai yahan ke locals ke liye morning walk pe aane ke liye. Jal Mahal actually is not accessible by boat. Ye lake ke beech mein hai aur wo man-made lake hai actually. पर उसके अंदर जाना अलाउड नहीं है अनलेस यू आर रॉयल ऑफ कोर्स। तो हम बाहर से शूट कर रहे हैं, बट इट लुक्स क्वाइट प्रिटी एंड नाइस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अप हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है जयपुर में। यहाँ मैं बहुत साल पहले आया था और मेरी एक ही मेमोरी थी कि यहाँ कबूतर बहुत सारे होते हैं। सरप्राइजिंगली दिस प्लेस इज फुल ऑफ पिजन्स इवन टुडे। सो दिस बिहाइंड मी इज द एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इट्स ऑल्सो द सेंट्रल म्यूजियम ऑफ राजस्थान स्टेट। सो स्टेट म्यूजियम है, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है और इसकी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। तो ये एक ऐसे स्टाइल में बनाया गया है जो फ्यूजन स्टाइल है। इसको इंडो सार्सेनिक स्टाइल कहते हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक एंड लिटिल बिट ऑफ ब्रिटिश ऑल्सो कमिंग टुगेदर। मिक्स्ड आर्किटेक्चर है बट द ब्लेंड इज़ ब्यूटीफुल। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगती है इसकी बिल्डिंग। मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रैफिक बंद है, सो नो व्हीकल्स अलाउड। यू कैन ओनली वॉक इन हेयर एंड वॉक अराउंड हेयर। ग्रेट फॉर अस एंड ग्रेट फॉर ऑल द फोटोग्राफर्स हू कम एंड शूट हेयर। तो अभी ये जाके थोड़ा सा क्विक वॉक अराउंड लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का माहौल कैसा है। माहौल इज़ प्रीटी मच वेडिंग फोटोग्राफी सीन एक्चुअली। डिफरेंट देन व्हाट आई रिमेंबर दिस प्लेस टू बी, बट इंटरेस्टिंग नेवरदलेस। तो हमारे साथ मंगल सिंह जी हैं और मंगल सिंह जी यहाँ पे ज्वार का है, मेरे बात में रिक्शा चलाता है। ज्वार बाजरा और थोड़ी दालों की इनकी यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है। तो सुबह सुबह आप आ जाते हैं अभी? तो यहाँ पे लोग इतना शादी वादी वाली जो फोटो खींचे आते हैं लोग खरीदते हैं? हाँ खरीदते हैं, ये लोग भी खरीदते हैं। क्या करते हैं खरीद के? दाना डालते हैं कबूतरों को। सो द लॉजिक इज कि आप अगर कबूतरों को अपने शॉट में चाहते हैं तो उनको दाना दें। दाना खिलाते। तो ये हमारे लिए नहीं है, कबूतरों के लिए खाना है यहाँ पे। एंड दैट्स हाउ यू गेट ग्रेट शॉट्स व्हेन यू डू वेडिंग शूट्स, प्री वेडिंग शूट्स। गुड फन। धन्यवाद जी। और उसके बाद हमने यहाँ के आइकॉनिक लक्ष्मी मिष्ठान भंडार या LMB में कचौड़ी का नाश्ता भी किया। अगर आप जयपुर के खाने के बारे में और जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक और पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पिछले कुछ सालों में जयपुर में एक नया इंस्टाग्रामेबल स्पॉट ऐड हो गया है, जहाँ पे हर इंस्टाग्रामर, हर ब्लॉगर, हर व्लॉगर और हर वेडिंग फोटोग्राफर भी ज़रूर जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पत्रिका गेट विच इज़ राइट बिहाइंड मी। काफ़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, काफ़ी नई सी बिल्डिंग है। दिस इज़ द न्यूएस्ट ऑफ ऑल द गेट्स दैट आर देयर इन द सिटी। तो क्योंकि ये नया है, काफ़ी सुंदर तरह से इसको पेंट किया गया है, काफ़ी खूबसूरत पेस्टल कलर्स हैं अंदर। इट डज लुक रियली ब्यूटीफुल एंड दैट एक्सप्लेन्स वाई सो मेनी पीपल कम देयर। तो हमारे जैसे फोटोग्राफर्स भर भर के यहाँ पे आते हैं, बट दैट ऑल्सो मेक्स दिस प्लेस काइंड ऑफ लिटिल लेस इंटरेस्टिंग टू गो एंड शूट, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली जॉसलिंग विद अदर फोटोग्राफर्स टू गेट द शॉट। तो मैं तो कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम कम्प्लीटली गिविंग अप ऑन दैट। वट आई विल बी डूइंग इज जस्ट जनरली शूटिंग वॉट्स हैपनिंग इन साइड द गेट एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल टू कम हियर एंड गेट पिक्चर्स। देन यू हैव टू जस्ट वेट एंड वाइट फॉर योर टाइम एंड जस्ट हैव सम पेशेंस, क्योंकि टर्न बाई टर्न आप फोटो खींच दो तो या थोड़ा मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स आवर प्लान। Thank you.
हमने जयपुर में अपनी आखिरी शाम ओल्ड सिटी में हवा महल के पास ही गुजारी। आई जस्ट लव्ड सिटिंग देयर एंड वॉचिंग द लाइफ पास बाय। ये एक परफेक्ट एंड था जयपुर में हमारे परफेक्ट स्टे का। मुझे उम्मीद है आपको आज का जयपुर वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं हिंदुस्तान और दुनिया के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए अभी के लिए अलविदा, अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी।